हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्विता रसोई घर। तो आज लेके आई हूँ ब्रोकली की टेस्टी सब्जी, यानी हरी गोभी की सब्जी। ये ब्रोकली की सब्जी बहुत ही मसालेदार एंड बहुत ही टेस्टी होती है। जब भी आप ब्रोकली की सब्जी बनाए तो इस तरीके से बनाए जैसे मैंने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रोकली की सब्जी बनाना। यहाँ पे मैंने ब्रोकली ले लिया है, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप ब्रोकली ले। ब्रोकली को मैंने छोटे पीस में कट करके एंड अच्छे से वॉश कर लिया है। आप अपने अनुसार ब्रोकली को बड़े साइज या फिर छोटे साइज में कट कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रोकली को फ्राई करूंगी। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई चला दिया। कढ़ाई में सरसों तेल ऐड कर रही हूँ। तेल गर्म होने पे इसमें ब्रोकली रख दूंगी और इसे मिक्स कर लूंगी और इसे गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करूंगी। बीच बीच में ब्रोकली को चलाते रहे ताकि ब्रोकली जले ना और अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ी देर में ब्रोकली बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो इसे मैं निकाल लूंगी। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में ब्रोकली को फ्राई करके निकाल लिया है। फिर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी। ब्रोकली की सब्जी के अनुसार ऑयल ऐड करें। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ तेजपत्ता, जीरा एंड एक चुटकी हींग ऐड कर रही हूँ। हींग जरूर ऐड करें, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज को मैंने बारीक से कट कर लिया है और इसे भी गोल्डन होने तक अच्छे से भूनूंगी। तो प्याज को मैं बीच बीच में चला रही हूँ और अच्छे से गोल्डन कर लेना है प्याज को। तो देख सकते हैं थोड़ी देर बाद प्याज अच्छे से गोल्डन हो चुकी है। तो अब इसमें ऐड कर रही हूँ एक टमाटर। आप ब्रोकली के अनुसार टमाटर ले। इसी के साथ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। दोनों मैंने एक साथ ऐड किया और इसे मिक्स कर लूँगी और इसे अच्छे से भूनूंगी ताकि टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो सब्जी के अनुसार सारे मसाले ऐड करें। तो मसाले मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, तीखा के अनुसार लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। तो अब इसके साथ ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर एंड टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाले जले ना और अच्छे से भून जाए। और इसे मिक्स कर लूंगी और मसाले को बहुत ही अच्छे से भूनना है। जब तक कि मसाले में से ऑयल छूटना स्टार्ट ना हो जाए तब तक आप मसाले को भूनें। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं मसाले को बहुत ही अच्छे से भून रही हूँ। मसाले थोड़ी देर में ड्राई हो चुके हैं और इस तरीके से आप भी मिक्स कर लें ताकि टमाटर और प्याज अच्छे से मैश हो जाए। तो थोड़ी देर में मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इसमें फ्राई किए हुए ब्रोकली ऐड कर दूंगी। ब्रोकली ऐड करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनूंगी। इस तरह से ब्रोकली की सब्जी बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ब्रोकली हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्रोकली और मसाले को बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तब इसमें पानी ऐड कर दूंगी। आप ब्रोकली के अनुसार एंड मसाले के अनुसार पानी ऐड करें। इस सब्जी को आप रोटी पराठा या फिर चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो यहाँ मैंने पानी ऐड कर दिया और इसे मिक्स कर लूंगी और इसे मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाऊंगी ताकि ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो जाए। यहाँ मैं इसे कवर कर रही हूँ, थोड़ी देर में चेक करूंगी तो ग्रेवी बहुत ही अच्छे से थिक हो गई है एंड सब्जी का कलर बहुत ही परफेक्ट हुआ है। तो लास्ट में ऐड करूंगी धनिया पत्ता एंड गर्म मसाला पाउडर। धनिया पत्ता और गर्म मसाला को लास्ट में ही ऐड करें। तो यहाँ मैंने मिक्स कर लिया है, तो गैस को अब बंद कर दूंगी। सब्जी एकदम परफेक्ट हुई है एंड कलर भी बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।